नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। आए दिन लोगों को धमकी देने की खबरें सामने आती हैं, कभी किसी नेता को तो कभी किसी अभिनेता को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी धमकी से एयरपोर्ट भी नहीं बचा है। अब मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बता दें कि लखनऊ में शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे एक युवक ने डायल 112 नंबर पर हजरतगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी की जानकारी दी। एयरपोर्ट और स्टेशन को उड़ाने की धमकी या किसी को जान से मारने की धमकी, ये अब आम बात हो गई है। कभी प्रेमी अपनी प्रेमिका के बाप को फंसाने के लिए धमकी देता है, तो कभी एक युवक अपने मौसा को फंसाने की धमकी देता है। उसने कहा कि मेट्रो स्टेशन पर आतंकी ने बम रखा है, एक नंबर नोट कर लो, यह आतंकी का है। सूचना पर पुलिस सक्रिय हो गई और हजरतगंज मेट्रो स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। जांच में बम ना मिलने पर पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। तभी पता चला कि देर रात बम होने की सूचना फर्जी मिली है। सीओ जीआरपी संजीव सिन्हा ने बताया कि फोन करने वाले युवक की लोकेशन बांदा की मिली है। कॉल करने वाले का नाम रमेश है। वहीं उसने जिसका नंबर आतंकी बताकर दिया था, वह उसके मौसा का नंबर निकला। उनको फंसाने के लिए उनका नंबर दिया था। दोनों के विषय में जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट किया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द सोशल राइज़।